तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे ही आभा कार्ड को कैसे बना सकते हैं। आभा कार्ड बनाना सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा जो भी आपका आयुष्मान कार्ड बना रहेगा, आप जब लेकर के जाओगे इलाज करवाने के लिए किसी भी अस्पताल में, तो वहां पे आपको आभा कार्ड लेकर के ही जाना है, क्योंकि आभा कार्ड में आपका जितना इलाज का इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसी में आपका फीडिंग किया जाएगा, जिससे आपका पता लगा सके। आप जब दोबारा जाएंगे वहां पे कोई भी दवा लेने के लिए, तो वहां पे इसमें जो QR कोड दिया गया है, इससे स्कैन करके आपके बीमारी का पता लगा सकते हैं कि आप पहले कौन सा दवा यहां पे करवाए हैं। तो इसके जरिए इसमें क्या होगा, आभा कार्ड में पूरा डाटा को फीड किया जाता है कि आपने कौन सी दवा ली है, कितना दवा लिया है आपने, कौन सा बीमारी आपको था, तो इन सभी का जानकारी इसी आभा कार्ड में फीड कराया जाएगा। जो भी आप अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए दवा करवाते हैं, जो भी इलाज करवाते हैं किसी भी अस्पताल में, तो उसका जो डाटा रहेगा पूरा पूरा इलाज का, और जितना भी आपने दवा लिया है उन सभी दवा का, बीमारी का, सभी का डाटा आपका आभा कार्ड में ही फीड किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को आभा कार्ड बनवाना बहुत ही जरूरी है। बिना आभा कार्ड के आप आयुष्मान कार्ड के जरिए भी कुछ भी इलाज नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए आभा कार्ड के साथ आपका आयुष्मान कार्ड दोनों होना जरूरी है। तो आपको आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर आपको कभी भी 5 लाख का जो आपका इलाज होता है फ्री में आयुष्मान कार्ड के जरिए, तो इन्हीं दो कार्डों के जरिए ही आपका इलाज हो पाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आभा कार्ड को आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में चले जाते हैं। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है आभा ABHA आभा कार्ड। यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट आएगी, इसी को आपको सर्च करा लेना है। नीचे आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही है आभा ABDM, इसी पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्रिएट आभा पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला सेक्शन आपको दिया गया है क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ से जाकर के आप आभा कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। आभा कार्ड बनाना बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के जरिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया है क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग आधार, यानी कि आप आभा कार्ड को आधार कार्ड के जरिए भी बना सकते हैं। तो हम आपके पास अगर आधार कार्ड है तो इसी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इन चारों को भरना होगा। तो सबसे पहला जो आपका दिया है कंसेंट कलेक्शन, इसमें आपको पहला नंबर दिया है आधार कार्ड का नंबर फिट करना है। तो जिसका भी व्यक्ति का आप बना रहे हैं तो इसका यहाँ पे अब आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना होगा। तो यहां पे हम आधार कार्ड नंबर को फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को फीड कर लिया है। इसके नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसके बारे में रीड करने के लिए, अगर आपको रीड करना हो तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाना है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कैप्चा एक दिखाई दे रहा है, इसी कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपके सामने यहाँ पे जोड़ भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है। तो हमारे सामने यहाँ पे आया है, यानी कि यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे हम 6 को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे दिखाई देगा नेक्स्ट का ऑप्शन, इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, उस आधार वाले मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो हमारे सामने यहाँ पे OTP आ चुका है, इस OTP को आपको फिल करना होगा। आपके पास जो भी OTP आएगा उस OTP को फिल कर देना है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे OTP को
फिल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपको मोबाइल नंबर को ऐड करना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। तो हम अपने मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो हमने अपने मोबाइल नंबर को फिल कर लिया है। आप जैसे ही मोबाइल नंबर को फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फॉर कनेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अगले वाले स्टेप पे चले जाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। तो आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी हो उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आभा नंबर को, जिस तरीके से आपका जीमेल आईडी होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपका आभा नंबर भी होता है। तो यहाँ पे आपको जीमेल जैसा रहता है उसी तरीके से आभा नंबर भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सजेशन दिया गया है कि इसी तरीके से आपको आभा नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपने नाम से भी आभा कार्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा नीचे आपको यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया है, आप इसमें से जो भी चूज करना चाहें यहां से चूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम ये वाला जो आपको दिया है siva.mismi को क्लिक करते हैं। तो यहीं से नहीं तो हम अपने नाम से ही यहां पे फिल कर लेते हैं। तो यहां पे हम नाम को फिल करेंगे। उसके बाद यहां पे कुछ नंबर भी आपको टाइप कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे नंबर को टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट आभा पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट आभा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे आभा कार्ड जनरेट होकर के आ गया है। तो बहुत ही आसानी से हम आभा कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। घर बैठे ही CSC केंद्र पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे ही मोबाइल से ही या तो लैपटॉप से ही बहुत ही आसानी से आभा कार्ड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको डाउनलोड का सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जा करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डाउनलोड एक्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आभा कार्ड डाउनलोड होकर के आ चुका है। अब इसे जा करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बाद में कोई भी करप्शन करना हो, इसमें कोई भी गलती हो गई हो, तो यहाँ से जा करके एडिट प्रोफाइल से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपने आधार में कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो उसको आप यहाँ से भी जा करके रिकेवाईसी वेरिफिकेशन से क्रिएट कर सकते हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।